वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निखिल फ्रॉम करियर किक सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 एनआईटी में से जो हमारी 7th नंबर पे एनआईटी है, एनआईटी कुरुक्षेत्र जो कि हमारी हरियाणा में है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर इसके बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं कि एनआईटी जो कुरुक्षेत्र है वो हमारी कितनी उसकी कट ऑफ जाती हैं, फी स्ट्रक्चर कितना है, वहाँ की प्लेसमेंट कितनी है और वहाँ के कैंपस कैसा है, उसकी एनआरएफ रैंकिंग कितनी है। बिकॉज नॉर्थ इंडिया में ये अभी पहली एनआईटी है जो कि एनआईटी कुरुक्षेत्र हमारी टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट में आ रही है। तो मतलब एनआईटी कुरुक्षेत्र काफ़ी ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग है। तो ये क्यों है, इसके पीछे के जो प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो आज की इस वीडियो में लोग प्रॉपर सारी चीजें जानेंगे कि यहाँ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ की एनआरएफ रैंकिंग कितनी है, यहाँ के कैंपस एरिया कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम यहाँ की बात करें एनआरएफ रैंकिंग की, जो कि हमारी 41 नंबर पे आती है 2019 के एनआरएफ के बिहाफ पर। अब अगर हम बात करें यहाँ की कैंपस की, यहाँ की कैंपस कैसा है, तो यहाँ का कैंपस 301 एकड़ का है। तो यहाँ का कैंपस काफी बड़ा माना जाता है और बिकॉज इस पे अभी IIIT सोनीपत भी आई थिंक यहीं पर चल रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ का हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इन जनरल जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है NIT को लेके, JEE Mains को लेके, कि 75% हमारा होना चाहिए 12th में, अदरवाइज हम अगर किसी स्टेट बोर्ड से हैं तो टॉप 20% डेल की लिस्ट में आना चाहिए। कि मोड ऑफ एडमिशन की अगर आप बात करोगे तो मोड ऑफ एडमिशन आपका वही जोसा और CCAP के थ्रू ही होता है। अब अगर हम यहाँ पर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर कट ऑफ कितनी जाती हैं या इस बार जाएंगी, तो आपको एग्जैक्टली अगर कट ऑफ जाननी है तो फिलहाल आपको उसके लिए मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जो कि करियर किक सर्विसेज के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको इन जनरल कट ऑफ बता देते हैं कि अगर आपकी कुछ रैंक होगी तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकती है। तो वो कट ऑफ हम लोग जान लेते हैं जो कि होम स्टेट वालों के लिए है 8000 से ओपनिंग है, जो कि हमारी 39,000 पर क्लोजिंग हो गई है। अब अगर हम यही बात करें अदर स्टेट वालों के लिए, जो कि हमारी 7000 से ओपनिंग है और जो कि हमारी क्लोजिंग हो गई है लगभग 31,000 के अराउंड। इसमें एग्जैक्टली इन जनरल जो हमारी कट ऑफ्स हैं ये आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, आप उसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आपको एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन जाननी है कि हर एक ब्रांच वाइज होम स्टेट, अदर स्टेट और कैटेगरी के हिसाब से आपको, या सब कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन एग्जैक्टली कितनी कट ऑफ्स गई हुई हैं, अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करियर किक सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर ब्रांचेस कौन कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ पर ब्रांचेस हमारी हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ECE, मैकेनिकल, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल भी है, और एक यहाँ पर लोअर ब्रांच भी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो फिलहाल इसका भी एक प्रॉपर चार्ट आ रहा होगा जो कि आपको सीट इनटेक के साथ में होगा, आप उसको पोस्ट करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिकॉज आपको वहाँ से ये आइडिया लग जाएगा कि इस NIT में कितनी सीट्स हैं, कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो उसकी कट ऑफ्स कितनी एक्सटेंड कर सकती है। बिकॉज अभी जो हमारे एप्लीकेशन पर कट ऑफ्स अवेलेबल हैं तो 2019 के बिहार पर जो हमारा जेन्युइन डेटा हमारा जोसा और CCAP का आया हुआ था, मैंने उसके बिहार पर उसको डिजाइन कराया हुआ है। फिलहाल ये तो इन्फॉर्मेशन थी हमारे कट ऑफ्स के रिगार्डिंग, कोर्सेज के रिगार्डिंग। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस NIT जो कुरुक्षेत्र है इसकी प्लेसमेंट सर कितनी है, अगर आप यहाँ की एवरेज प्लेसमेंट की आप बात करोगे तो एवरेज प्लेसमेंट लगभग 8 लाख के आसपास यहाँ पर चली आती है। प्लस CS, IT, ECE जो हमारे बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी जाती है। तो फिलहाल ये थी हमारी इस कॉलेज के रिगार्डिंग जो मेरी कट ऑफ्स, बेसिकली इसको बताने का मेरा मोटो यही था। जो हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट होते हैं वो कट ऑफ्स जानना चाहते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ्स अगर आपकी इतनी होगी तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकती है। फिलहाल आज का वीडियो बच्चों यहीं तक। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेरी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। रेस्ट ऑफ देम अगर आपको कुछ किसी कॉलेज को लेकर इश्यू आ रहा है या कुछ प्रिपरेशन में इश्यू आ रहा है तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इसी तरीके से कॉलेज रिव्यू रिगार्डिंग, काउंसलिंग रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हमारे JEE एस्पिरेंट के लिए जो कि अभी JEE अप्रैल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी मैंने एक JEE गुरुमंत्रा न्यू चैनल स्टार्ट किया हुआ है। तो आप उस पर जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का प्रॉपर एक JEE मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आप उसको जाइए, ज्वाइन करिए और अच्छे से परफॉर्म करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए सारी चीजें, और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।